तो गाइस क्या आपको पता है कि GTA 4 को लोगों ने इतना पसंद क्यों नहीं किया? तो नहीं गाइस क्या आपको ये पता है कि जिस तरीके से GTA 5 और GTA San Andreas लोगों ने दौड़ाया, उस तरीके GTA 4 को क्यों नहीं दौड़ाया? नहीं अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बिना कोई लंबा इंट्रो और लाइक करो सब्सक्राइब करो वाले नौटंकी को साइड में रखते हुए, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि GTA 4 को लोगों ने इतना पसंद क्यों नहीं किया, वो लोगों के बीच फेल क्यों हो गया, और जिस तरीके से GTA San Andreas लोगों के बीच पॉपुलर हुआ, उस तरीके से GTA 4 क्यों नहीं हुआ। जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा कि GTA Vice City को आज भी लोग खेलते हैं, और टॉमी वर्शेट्टी कहीं ना कहीं अभी गाड़ी चला ही रहा होगा किसी न किसी के घरों में, और जिस तरीके से GTA San Andreas भी आज भी लोग खेलते हैं, मतलब ग्रूव स्ट्रीट्स और बहुत सारी चीज़ें, सीचे कार्ल जॉनसन, इस तरीके से बहुत लोग आज भी GTA San Andreas को खेलते हैं। तो इसी तरीके से GTA 4 को क्यों नहीं खेलते, तो यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, मैं मिलता हूँ आपको इंट्रो के बाद। तो गाइस कोई भी ओपन वर्ल्ड गेम सक्सेसफुल तब बनता है जब उसके ग्राफिक्स सबसे बेस्ट हो, उसकी स्टोरी लाइन भी बहुत बढ़िया हो, और कैरेक्टर कितना अच्छा है और हम लोग उस कैरेक्टर से कितना रिलेटेबल हैं, उसके मिशंस कितने अच्छे हैं, हम लोगों को कितना मज़ा आ रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें हम उस गेम में कर सकते हैं। तो गाइस यही चीज़ें किसी भी गेम को, ओपन वर्ल्ड गेम को बेस्ट बनाती हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो यार GTA 4 के ग्राफिक्स इतने भद्दे भद्दे हैं, उसमें हमेशा ही रात जैसा सीन लगता है, रात या फिर शाम जैसी लगती है, अगर दोपहर भी हो रही है तो भी ऐसा ही लगता है कि शाम हो रही है। तो ये इस तरीके से काफ़ी भद्दे भद्दे ग्राफिक्स हैं, और टेक्सचर्स वगैरह नहीं हैं, कलर्स उसमें बहुत कम है। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि GTA Vice City में और GTA San Andreas में इतने अच्छे अच्छे कलरफुल, मतलब पूरा का पूरा गेम ही कलरफुल है। GTA 5 इतना ज़्यादा कलरफुल गेम है, लेकिन GTA 4 में इतना मतलब कलर्स हैं ही नहीं। तो अगर नेक्स्ट है स्टोरी लाइन, स्टोरी लाइन मतलब बढ़िया है, ठीक थी, बढ़िया तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक थी, एक्शन था उसमें काफ़ी, लेकिन हाँ जो इमोशनल जो स्टोरी लाइन होती है जिस तरीके से CJ की थी, तो वो चीज़ उसमें नहीं थी। मतलब तीसरा है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल नहीं था जिस तरीके से टॉमी या फिर CJ है। और तुम लोगों ने देखा होगा कि कैरेक्टर के जो बैकग्राउंड स्टोरी है, या फिर कह ले तो बैकग्राउंड है, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब जैसे कि तुमने CJ को देखा होगा, उसकी माँ मर जाती है और वो उसका बदला लेता है, तो इसी तरीके से यार GTA 4 का जो कैरेक्टर है निको बेलिक, उसका बैकग्राउंड इतना कुछ खास नहीं था, इसी वजह से हम लोग उसे उसके कैरेक्टर के साथ रिलेटेबल नहीं थे। तो इस चौथा है मिशंस, मिशंस भी कुछ ज़्यादा खास लगे नहीं लोगों को, और गैस उस गेम में हम लोग काफ़ी चीज़ें कर भी नहीं सकते थे, ना टैंक्स थे, बस एक हेलीकॉप्टर था, ना हम लोग प्लेन को उड़ा सकते थे। बल्कि मैं कहूँ तो GTA San Andreas GTA 4 से ज़्यादा बढ़िया था अगर उसका ग्राफिक्स थोड़ा सा हाई कर दिया जाता। GTA San Andreas में मतलब मैप उसका इतना ज़्यादा बड़ा था, उसमें हम लोग प्लेन चला सकते हैं, टैंकर्स चला सकते हैं, सब कुछ, लिटरली सब कुछ चला सकते हैं। तो इसीलिए यार GTA 4 लोगों के बीच इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want.